हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आपका चैनल पर फ्रेंड्स मैंने ये बहुत ही सुंदर और जल्दी बनने वाली लेडीज़ सॉक्स बनाई है फ्रेंड्स सॉक्स बनाने के लिए मैंने ये दो कलर लिए हैं और दस नंबर की सिलाई ली है फ्रेंड्स मैंने सॉक्स बनाने के लिए पचास फंदे डाले हैं और मैंने सीधी साइड से और उल्टी साइड से दोनों साइड से मैंने उल्टा उल्टा बुनकर इसके तीस रो कर लिए हैं ऐसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अठाईस उनतीस तीस ये मैंने तीस रो इसके कर लिए हैं अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स अब हम ये पचास फंदे हैं तो इसमें से पच्चीस फंदे हम कम करेंगे जैसे दो फंदों का एक करेंगे फिर इस फंदे को इस सिलाई में ले लेंगे फिर दो फंदों का एक करेंगे ये दो फंदे हमारे कम हो गए फिर दो का एक करेंगे तीन कम हो गए चार पाँच ये हो गए पच्चीस पच्चीस फंदे हमारे कम होगी अब हम इनको इसी तरह से बुन लेंगे उल्टा उल्टा इसी तरह से हम ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेंगे फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए तो इस तरह से हम ये पूरी सिलाई उल्टी बुन के हम रॉन्ग साइड पे आ जाएंगे अब यहाँ पे हम ग्रीन कलर लगाएंगे इसी तरह से हम ये उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं यहाँ पे भी हमने उल्टा बुनना है फ्रेंड जिसको भी उल्टा और सीधा बुनना आता है वो इस सॉक्स को बड़ी आसानी से बना सकते हैं ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत कम समय में तैयार हो जाती है हमने ये सारा उल्टा उल्टा ही बुनना है और हमने यहाँ पे हमने येलो कलर के तीस रो किए हैं अब इस कलर के हम आठ रो करेंगे फ्रेंड्स हमने ये आठ रो कर ली है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो अब हम यहाँ पे इनको बंद करेंगे इस तरह से हम ये सारे फंदे कम करते हुए यहाँ तक आएंगे अब हम लास्ट फंदा घटाएंगे। ये बंद कर दिया हम इसकी सिलाई करेंगे अब हम इसको इस टाइप से सिलेंगे ये ऐसे इसको इस इसको इस साइड के ऊपर रखेंगे इसके ऊपर इस टाइप से ये सिलाई हम सीधी साइड से करेंगे अभी इसके ऊपर रख दिया हमने इस टाइप से करके हम फिर पीछे से लेंगे यहाँ से लेके फिर थोड़ा सा आगे लेंगे इस टाइप से लेंगे हमने इसको ज़्यादा ना तो खींचना है नॉर्मल इसकी सिलाई करनी है फिर पीछे से लेंगे फिर आगे लेके जाएंगे जैसे हम बखिए की कच्चा बखिया करते हैं सिलाई में फिर यहाँ से पीछे से ले गई देखिए यहाँ से हम इसको इस टाइप से करेंगे इसको इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे यहां से इसको हम पक्का कर लेंगे एक बार और कर लेंगे फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से हमारी ये सिलाई होगी है अब इसको हम अब हम यहाँ से करेंगे इसको करने के लिए हम इस सॉक्स को उल्टा करेंगे कर, यहाँ से सिलाई करने के लिए हम यहाँ से लेंगे इस तरह से लेंगे हम ये किये, इसको हम इस तरह से धीरे धीरे हम धागा खींचेंगे इस तरह से यहाँ से हम नॉट लगा देंगे अब यहाँ से भी हम सिलाई कर देंगे ताकि जो बीच का ये होल है ये नज़र ना आए यहां से इसको हम पक्का कर देंगे ये सिलाई होगी अब हम यहां से करेंगे अब हम यहां से करेंगे सिलाई ये सिलाई हम उल्टी साइड से ही करेंगे इस सॉक्स को मैं सीधा करके दिखाती हूँ अब यहाँ पे हम बटन लगाएंगे फ्रेंड यहाँ पे हम साइड पे आप कोई भी बटन लगा सकते हैं या आप यहाँ पे फ्लावर लगा सकते हैं लीजिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर सॉक्स बनकर तैयार हो गई है फ्रेंड्स अगर आपने इसको बड़ा बनाना है तो ये जो मैंने फूंदे पचास डाले थे आप इसकी जगह चार फूंदे और बढ़ा सकते हैं और बड़ा बनाना है तो चार फूंदे और डाल लीजिए तो और ये जो मैंने रो बनाई है ये रो भी आप दो तीन रो बढ़ा सकते हैं तो इसको भी आप एक दो रो बढ़ा सकते हैं ये चार से पाँच नंबर फुट साइज़ में ये बिल्कुल सही आएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना दुग, मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले तो मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय